आजकल फ्रूट्स को लेकर भी मिथ सामने आ रहा है कि आपको ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, तो मतलब इतना भी आपको नहीं खाने चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू अनहेल्दी। हाय एवरीवन, दिस इज विदुषी एंड यू आर वॉचिंग द गुड हेल्थ शो। आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, सब जगह गट हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, सभी लोग बात करते हैं। और आज हम करेंगे डॉक्टर वैभव गर्ग से बात। सेम हमारे पास टॉपिक सर गट हेल्थ है, और ये जो टॉपिक है ना सर, आजकल हम देख रहे हैं कि सब लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे पहले लग रहा था कि लीवर रिलेटेड गट हेल्थ होती है हमारी, फिर मुझे लगा कि हाँ डाइजेशन के से रिलेटेड है ये, बट अभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा कि गट हेल्थ इंटरलिंक है इंटेस्टाइन से। तो मैं जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ गट हेल्थ। एज अ लेमैन देखिए, हम गट हेल्थ को जो समझते हैं, वी थिंक दैट इट्स जस्ट आर स्टमक, बट जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा सिक्वेंशियल तरीके से समझते हैं। सो इट्स अबाउट द इंटायर डाइजेशन प्रोसेस। आपका जो खाने का डाइजेशन है वो एक्चुअली आपके माउथ में स्टार्ट हो जाता है, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में जाता है। एंड मेन काम एक्चुअली स्टमक में होता है, जहाँ पे सारे एसिड्स पोर किए जाते हैं। आपका लिवर हो गया, आपके पैंक्रियाज हो गया, जो भी डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम्स हैं वो स्टमक में डालता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का सारा मेटाबॉलिज्म होता है, एंड फिर वो पास होता है आपके इंटेस्टाइन्स में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड दैट इज़ वेयर द अब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैपन। यानी कि बॉडी को जो जो चीज़ें खाने से रखना होता है वो इंटेस्टाइन से वो कैप्चर करता है बेसिकली। एंड देन इवेंचुअली द एक्सक्रीशन प्रोसेस हैपन्स, क्योंकि जो भी अनडाइजेस्टेड फाइबर हो गया, जो भी अनवांटेड एलिमेंट्स हैं, फिर हमारे इंटेस्टाइन फिर धीरे धीरे रेक्टम की तरफ पुश कर देते हैं। बट यस, प्लीज रिमेंबर, ऊपर से शुरू होता है डाइजेशन आपका माउथ से। देयर इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, सो हर लेवल पे थिंग्स नीड टू बी फाइन। आपके एंजाइम एक्टिविटी हो गया, सो जो लोगों को ब्लोटिंग हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिड फॉर्मेशन हो गया, रिफ्लक्स होता है लोगों को, सो कहीं ना कहीं देर इज समथिंग रॉन्ग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड ओनली अ प्रोफेशनल कैन ऑब्वियसली हेल्प यू फाइंड दैट आउट। सर, हमारे पास कुछ मिथ्स हैं गट हेल्थ से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो गट हेल्थ से रिलेटेड मिथ है वो यही आ रहा है कि डाइजेस्टिव इशू जो सबके लिए होता है वो डेयरी प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा होता है। सो इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? इट्स अ फैक्ट। डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। उसके दो रीज़न हैं। वन, आपके मिल्क में और मिल्क प्रोडक्ट में लैक्टोज होता है। 70% ऑफ द वर्ल्ड इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, क्योंकि उस लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, यानी कि लैक्टेज, 70% ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट मेक दैट एंजाइम। जो 30% है, जो आप सोच रहे हैं कौन है ये, वो हैं जिनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, उनका लैक्टेज बनता है गट में, एंड हेंस वो लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। और लैक्टोज की वजह से एसिड हो गया, ब्लोट हो गया, मेजर क्रॉनिक इश्यूज भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, एंड सर कैफीन की अगर बात करें तो कैफीन इरिटेट करता है, गट हेल्थ में इश्यूज होते हैं कैफीन की वजह से, सो इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? इट्स डेफिनेटली अ फैक्ट। कैफीन एक एसिडिक फूड आइटम में आता है, तो वो आपका जो गट बैक्टीरिया है उसको ग्रेटली डिस्टर्ब कर देता है। और ये जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है आपके गट में, अगर वो ठीक से फंक्शन नहीं कर सकता है, उसके लिए अगर एनवायरनमेंट एक्सेसिवली एसिडिक हो जाता है, देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द गट यूजुअली इज इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट, बट वो जो पीएच लेवल है वो हमारी बॉडी खुद कंट्रोल करती है। ऊपर से आप अगर और एसिड डालेंगे सो द गट इज अनएबल टू हैंडल दैट। ऐसा नहीं है, अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू टेक कैफीन वेरी इजिली, बट इन जनरल देखा गया है, मैंने भी अपने क्लाइंट्स के साथ, दैट एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कैफीन रिजल्ट्स इन अ मोर एसिडिक गट। ओके, एंड सर फ्रूट्स को लेकर भी मिथ सामने आ रहा है कि आपको ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, तो मतलब इतना भी आपको नहीं खाने चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू अनहेल्दी। सो देखिए, फ्रूट्स पर मेरा बहुत डिफरेंट टेक रहता है। मेरे प्रोफेशन में हुएवर इज प्रैक्टिसिंग, दे वुड विदाउट फेल ऐड फ्रूट टू द डाइट, बट लेट मी टेल यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फ्रूट। वन, the way the body handles fructose, which is a form of sugar present in fruit, is very different. हमारा liver जो है 5 gram fructose से ज़्यादा एक दिन में handle नहीं कर सकता। 5 gram fructose यानी कि आधा केला और maybe 1/4 an apple. आइडियली मेरे लिवर को इससे ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा कभी होता नहीं है दैट वी स्टॉप आवर सेल्स एट जस्ट वन एप्पल और मे बी सॉरी हाफ एन एप्पल और हाफ अ बनाना। वी विल एंड अप ईटिंग द होल थिंग एंड प्रॉबेबली वी वुड एंड अप ईटिंग मोर देन वन फ्रूट एज वेल। सो फ्रुक्टोज कैन बी वेरी हार्मफुल, स्पेशली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर,
फ्रुक्टोस आपके लिवर के लिए इतना अच्छा नहीं है जैसे कि मैंने अभी बताया। दूसरा, अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स विच इज़ अ पैरामीटर ऑन योर लिपिड प्रोफाइल, अगर वो हाई है, सबसे पहले आपको फ्रूट्स अपनी डाइट से एलिमिनेट करना चाहिए एंड यू विल बी सरप्राइज कि वो कितनी जल्दी नीचे आता है। वाओ, फ्रूट्स को लेकर मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा एक लाइक कंट्रोवर्सी वाली भी थिंग है, लाइक बिकॉज फ्रूट्स को लेकर लाइक जब वीगन डाइट होती है या फिर लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनको सबसे पहले माइंड में यही थॉट आता है कि हाँ फ्रूट्स से वो अपने आप को हील कर सकते हैं। सो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, एक्चुअली मिस्टेक कहाँ आती है बताता हूँ। सी, डोंट गेट मी रॉन्ग, फ्रूट्स आर नॉट बैड, फ्रूट्स आर गुड फॉर अस। आप अगर होल फ्रूट खाते हो और एक या दो पोर्शन किसी भी रैंडम फ्रूट का लेते हो, इट्स गुड फॉर यू। फोकस ऑन कलरफुल फ्रूट बिकॉज दैट्स वेयर दी एंटी ऑक्सीडेंट्स आर। देखिए, फाइबर रिच फ्रूट है, अच्छा है आपके लिए। प्रॉब्लम आती है जब लोग मील्स को रिप्लेस करने लगते हैं फ्रूट्स से, विच यूजली हैपेंस। मैं लंच नहीं खाऊंगा, मैं डिनर नहीं लूंगा, आई विल रिप्लेस इट विद अ प्लैटर ऑफ फ्रूट्स, दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली, पीपल ड्रिंक जूसेस। अब नाउ इफ आई वर टू ईट एन एप्पल फॉर एग्जाम्पल, आई ईट वन एप्पल टॉप्स, बट मुझे अगर एप्पल का जूस निकाला है, मैं चार या पांच एप्पल यूज करूंगा। अब आप सोचिए, फोर और फाइव एप्पल वर्थ आप फ्रुक्टोज यानी कि शुगर अपनी बॉडी में डाल रहे हो, अपने गट में डाल रहे हो, क्या होगा आपके लिवर का? एग्जैक्टली। And sir, detox water improve your gut health. So it's a matter of fact. देखो, सबसे पहले तो the water that we're drinking is wrong, and I'm referring to the mineral water and the RO water. वो हमारी गट को समझ ही नहीं आता है, because see, water also is part of nutrition. We are supposed to drink water that comes from a spring, यानी कि जो fresh water होता है। आप कभी भी underground water निकालेंगे या spring water को निकालेंगे और उसको आप testing के लिए भेजेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले उसका pH high होता है, 8+ मिलेगा आपको। उसमें आप देखेंगे नेचुरली डिजॉल्व मिनरल्स रहते हैं। अब आरओ वाटर में, मिनरल वाटर में ये सारी चीज़ें होती नहीं है, उसका पीएच भी बहुत कम होता है। सो अगेन, इफ़ यू पुट समथिंग इन योर बॉडी दैट इज़ अननेचुरल, योर बॉडी डज नॉट एक्सेप्ट इट, एंड इवन इफ इट इज़ एक्सेप्टिंग इट, इट इज़ अडेप्टिंग, इट इज़ ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन अ लॉट ऑफ अदर बॉडीली फंक्शंस। सो टेक्निकली स्पीकिंग, डिटॉक्स वाटर जो है, आप उसमें नींबू डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, बेजल, मिंट, कुछ भी डाल सकते हैं, बट इट विल नेवर रिप्लेस योर ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ वाटर, नेटिव फॉर्म ऑफ वाटर, विच इज योर स्प्रिंग वाटर एंड फ्रेश वाटर। ओके, एंड सर, जैसे कि आजकल याकूल्ट बहुत चल रहा है, तो जानना चाहेंगे कि गट हेल्थ के लिए वो अच्छा होता है, इट्स अ मिथ और अ फैक्ट? फॉर मी इट्स अ मिथ। व्हाई? बिकॉज अगेन, याकूल्ट इज अ मिल्क प्रोडक्ट। याकूल्ट इज मेड फ्रॉम मिल्क, बेसिकली फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। इट इज अ मोर फैंसियर वर्जन ऑफ दही और कर्ड दैट वी यूजली कंज्यूम इन द इंडियन डाइट। For me, it's a good source of good bacteria. But my logic here and the science here is that the good bacteria is already there in your stomach and in your intestines. उसका ख्याल रखिए, उसको फाइबर रिच फूड दीजिए। जो आपका बैक्टीरिया ऑलरेडी है उसको आपको आपको उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? It's like saying, मेरा हाथ इंजर हो गया है, इसको कट कर देते हैं, आई विल इंस्टॉल अ न्यू हैंड। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू टेक केयर ऑफ इट, यू नर्चर इट। सिमिलरली, आपके गट में जो बैक्टीरिया है उसको नर्चर करिए, उसको अच्छा फाइबर रिच फूड दीजिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप मिल्क हो गया, याकूल्ट हो गया, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, चीज़ भी, इनफैक्ट कोई भी लेंगे, आपके गट में H2SO4 यानी कि एसिड ज़्यादा बनेगा, और एसिड ज़्यादा बनेगा तो आपका गट बैक्टीरिया कॉम्प्रोमाइज होगा। ओके। एंड सर, एक मिथ जो हमारे पास है वो ये है कि ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स इज फार बेटर देन कुक्ड। Again, so eating raw vegetables may not necessarily be good for everyone. For some people, the steamed version or the cooked version would be much better. Sabke gut mein enzymatic activity bahut different rehti hai. So for example, if you are suffering from a lot of bloat, raw food might not necessarily be good for you. Aapko steamed food ya cooked food, yani ki vegetables, zyada suit karenge. Again, it's very individual based. It depends on the symptoms. बट रॉ फूड अगर आप खा सकते हैं, इट्स गुड, क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है, एंड कुक्ड फूड में जो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। ओके सर, तो ये थे कुछ मिथ्स। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बैड गट हेल्थ।